इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो बिस्तर पर लेटते वक्त बावजू हो, सोने से पहले दुआ मांगे और अपने आप को उसके हवाले करके पनाह अमान का तालब हो और बरकत मांगे, इस उसकी तारीफ और शुक्र करे, अर्ज़ो इंकसारी का इजहार करे, बख्शिश तलब करे और ताइब हो, अच्छा ख्वाब देखने की तौफीक चाहे और दानी करवट लेटे और इसी करवट जागे और आँख खुलते ही खुदा को याद करे। जब भी कोई अच्छा ख्वाब आए तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाकर हैरात करें। हदीस शरीफ में लिखा है कि इस किस्म का ख्वाब बरादरान ने इस्लाम और अहबाब से बयान करें। जब कोई बुरा ख्वाब आए तो फिलफूर औज़ु बिल्लाह और लाहौला वला कुव्वता का वर्द करें और ख्वाब किसी को ना बताएं ताकि गजन से बचा रहे और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और बाएँ जानिब दम करें, फिर यूँ दुआ मांगे कि ए अल्लाह अगर ये ख्वाब अच्छा है तो इसका अंजाम अच्छा दिखा, वरना जरर और गजन से बचाए रखना। साहिब ख्वाब को लाजम है कि वो ताबीरें बताने वाले के सामने मनोअन अपना ख्वाब बयान करे, किसी किस्म की कमी बेशी ना करे, वरना ताबीर ठीक ना निकलेगी बल्कि उल्टा ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि ख्वाब खुदा और बंदे के दरमियान अमानत है। ख्वाब को अपनी तरफ से गढ़ कर कुछ का कुछ बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह अजीम है, इससे बचना ज़रूरी है। अगर ख्वाब याद ना रहे तो तौबा कर लेनी चाहिए ताकि साहिब ख्वाब का अल्लाह के अजाब से बचा रहे। गैर मुसलमों, अनपढ़ लोगों और बदख्वाहों और औरतों से ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त करना मुनासिब नहीं। जिस दिन मतला अबर आलूद हो और मीह बरस रहा हो या बर्फ़ पड़ रही हो तो ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त नहीं करनी चाहिए। तुलुए आफ्ताब या गुरूबी आफ्ताब का वक्त भी ताबीर पूछने के लिए दुरुस्त नहीं। साहिब ख्वाब के लिए मुनासिब यह है कि खाना ज़्यादा ना खाया जाए ताकि बुखारात दिमाग की तरफ सऊद ना कर सकें, लेकिन बहुत कम भी ना खाना चाहिए क्योंकि इस सूरत में परेशान ख्वाब नजर आते हैं। अगर कोई आदमी इस नीयत से लेट जाए कि इसे सोने में ख्वाब नजर आए और इस ख्वाब में बकरी या हलाल जानवर दिखाई दे तो उसकी ताबीर तबाही और बर्बादी है, और अगर वो कोई लजीज और पुरलुत्फ खाना खाए और इसके लिए बंद दरवाज़ा खोल दिया जाए तो उसकी ताबीर अच्छी है, यानी वो नफ़ा हासिल करेगा। जब ख्वाब नजर आए तो इसके बाद सोना नहीं चाहिए वरना ताबीर और हो जाएगी। रात के वक्त ख्वाब की ताबीर किसी से नहीं पूछनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे मेरे ख्वाब की ताबीर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे ख्वाब की ताबीर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद आपके लिए ख्वाब की ताबीर लेके आ सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।